राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण द्वादशी को हम गौवत्स द्वादशी या बच बारस या वसु बारस के नाम से जानते हैं। गौवत्स द्वादशी धनतेरस से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन नंदिनी गाय की भी पूजा की जाती है और कुछ लोग आज के दिन नंदिनी का व्रत भी रखते हैं। जो लोग ये व्रत पूजन करते हैं तो वे इस दिन डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। हाँ जी दोस्तों, जो व्रत रखते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट का नहीं खाते हैं, और आप चाहें तो बिना व्रत के भी सिंपली इस पूजन को कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इस दिन हमें गौ माता की पूजा करनी होती है। तो देखिए, आप गौ माता की पूजा करने के लिए इस तरीके से आप माता की कोई प्रतिमा ले सकते हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में उनकी गौ माता होती है उन्हें आप ले सकते हैं। और पूजा करने के लिए आप यहाँ पर देखिए अक्षत, रोली, चंदन, अपना चौकटा ले लें, मौली ले लें। आप चाहें तो गौ माता को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। गौ माता के लिए इस तरीके से देखिए आटे की आप लोई बना लें, उस पर आप गुड़ लगा लें, चने की दाल भी आप लगा सकते हैं, धूप दीप बना लें, एक जल का लोटा ले लें, और साथ में अगर आप बायना निकालते हैं तो बायने के लिए आप काले चने, यहाँ पर आप बाजरा और मोठ भी निकाल सकते हैं, कुछ दक्षिणा रख लें, और चढ़ाने के लिए आप यहाँ पर काले चने और भी ले सकते हैं इस तरीके से गौ माता को खिलाने के लिए। तो इस तरीके से ये सामग्री हमें चाहिए होती है, अक्षत चाहिए होते हैं, जल का एक लोटा स्नान आदि कराने के लिए। यहाँ पर आप पंचामृत भी ले सकते हैं गौ माता को अर्पित करने के लिए। आप यहाँ पर दूर्वा ले लें, कुछ पुष्प ले लें और फल ले लें, जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो। इस समय सिंघाड़ा और शकरकंद आते हैं वो ले लें, हरा फल ले लें, कोई भी विशेष रूप से हरा फल ज़रूर लें माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर खीरा और अमरूद ले रही हूँ, साथ में कुछ रोली ले लें। इस तरीके से ये सारी सामग्री हमें गौवत्स द्वादशी के दिन पूजा में लगती है। तो इस तरीके से देखिए, आप चाहे तो साक्षात गौ माता का भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गौ माता और श्री कृष्ण जी का बहुत ज़्यादा गहरा संबंध होता है। तो यहाँ पर हमने अपने लड्डू गोपाल को यहाँ पर विराजमान किया है, अक्षत के ऊपर सिंहासन पे विराजमान किया है, साथ में हमने अपनी गौ माता जिनका हम पूजन करते हैं उनको यहाँ पर रखा है। तो देखिए इस तरीके से आप एक दीपक भी जला लें, अक्षत रख लें उसमें। आप चाहें तो यहाँ पर सफ़ेद तिल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित कर लें। दोस्तों, ये पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। इसके अलावा यदि आपके पास समय नहीं है तो आप किसी भी समय कर सकते हैं। आप चाहें तो साक्षात गौशाला में जाकर के भी गौ माता का पूजन कर सकते हैं, वहाँ उनकी सेवा कर सकते हैं और उन्हें आप चारा आदि खिला के आ सकते हैं, गौशाला में दान दे सकते हैं। इसके बाद में देखिए, हमने सांकेतिक स्नान करा दिया है, जल छिड़क दिया है सभी के ऊपर, जल के छींटे दे दिए। आप चाहें तो पूरे विधि विधान से यहाँ पर पंचामृत से गौ माता को उनके बछड़े को स्नान करा सकते हैं। इसके बाद में हम रोली का टीका करेंगे, अक्षत चंदन आदि अर्पित करेंगे और उसके बाद में वस्त्र रूपी कलावर अर्पित करेंगे। गौ माता को आप जो वस्त्र आता है सुंदर सा सजा हुआ वो भी यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूजा करनी होती है बच बारस की। बच बारस की पूजा करने का एक पूरा पुराना परंपरागत तरीका भी होता है, जिसमें बच बारस का एक पाटा मांडा जाता है मिट्टी से। तो वो विधि मैं कभी आगे आपके साथ शेयर करूंगी। गेरू से भी बनाया जाता है पेपर के ऊपर। तो देखिए, गौ माता को हम हरी हरी दूर्वा घास अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हैं वो आप ज़रूर से चढ़ाएं पूजा में। देखिए, इस व्रत को, नंदिनी व्रत को, जिनके संतान नहीं होती वो संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, और जिनके संतान होती है वो अपनी उस संतान की सलामती के लिए, उसके उन्नत भविष्य के लिए इस व्रत पूजन को करते हैं। उनकी दीर्घायु हो इस कामना से इस व्रत पूजन को किया जाता है। इसके बाद में देखिए, एक जल का लोटा हम अर्पित करेंगे, जल का भोग लगा देंगे, इस तरीके से उसे टीक लेंगे। आप चाहे तो स्वास्तिक भी यहाँ पे बना सकते हैं। गौ माता को लोई चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। इसके बाद में पूजा के बाद में इस लोई को हम गौ माता को खिला देते हैं। लोई क्या बनाई जाती है, आटा गूंदा जाता है बिना नमक का, गेहूं का आटा। आप चाहे तो बाजरे की भी लोई बना सकते हैं, उसके ऊपर गुड़ घी आदि लगाया जाता है। तो ऐसे लोई बनाई जाती है, इसे हम अर्पित करेंगे। इसके बाद में चने अर्पित कर देंगे। देखिए, चने यहाँ पर भीगे हुए लिए जाते हैं कहीं कहीं पर, आप चाहे तो भीगे हुए चने अर्पित करें। कहीं पर बाजरा और मोठ भी भिगो करके यहाँ पर अर्पित किया जाता है। इसके बाद में जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो, सिंघाड़ा, खीरा और ये सब यहाँ पर अर्पित कर दिया है मैंने, केले और अमरूद और शकरकंद। इसके बाद अगर आपके यहाँ पर बायना निकाला जाता है तो आप इस तरीके से देखिए चने का, भीगे हुए चने का, दाल मोठ का या फिर बाजरे का, इस तरीके से आप बायना निकालें और उसके ऊपर दक्षिण अवश्य रूप से रखें। आरती करेंगे, आप कपूर की आरती कर सकते हैं सिंपल, जो आपने दीपक जलाया उसकी भी आरती कर सकते हैं। इसके बाद में हम गौ माता से प्रार्थना करते हैं और पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करते हैं। तो ऐसे हमें बच बारस की, वसु बारस की, गौवत्स द्वादशी की पूजा करनी होती है, जो कि धनतेरस से एक दिन पहले आती है। तो दोस्तों, अगर आपको गौ माता की पूजा करने की ये छोटी सी विधि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में गौ माता की जय अवश्य लिखें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय गौ माता।